अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा पत्ते का पराठा खाना है तो आपको अपनी फैमिली परिवार या फिर अपने दोस्तों के साथ ही आना पड़ेगा। तो गाइस आपको ऐसा लगता है कि 32 का पराठा मैं खा पाऊंगा? नहीं। हे गाइस, माय नेम इज रोहित पारिक फ्रॉम जयपुर फूडीज और आज हम आ गए हैं आपको एक नए जयपुर के खाने से आपको रूबरू करवाने। आज का हमारा फूड डेस्टिनेशन है जयपुर पराठा जंक्शन, जहां हम आपको ये बताएंगे कि यहां पे पराठे की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहां पे वैरायटीज मिलती है। तो गाइस चलते हैं आज पराठा जंक्शन की ओर। ओके, तो गाइज आज हम आ गए हैं जयपुर पराठा जंक्शन पे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 इंच का सबसे बड़ा पराठा जो यहाँ पे मिल रहा है जयपुर में, और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मेरे एक खास दोस्त से जिसको मैंने स्पेशली हरियाणा से बुलवाया है। तो ये हमारा जो फ्रेंड है सौरभ, ये सौरभ मीम रोड, जो जिसने यानी कि दिल्ली के अलग अलग टाइप के स्वाद चखे हैं और वहाँ पे भी काफ़ी पराठा खाया है। तो आज हमको ये वहाँ पे यहाँ पे ये बताएगा कि इस पराठे में ऐसी क्या खास बात है जो दिल्ली पराठे में नहीं है। तो गाइस चलते हैं पराठा जंक्शन की ओर, चलें चलो। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कोरोना का यहाँ पे लगा हुआ है एड, काफी पैंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पे सैनिटाइज का भी यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये लीजिए देखिए सैनिटाइज, जो काफी अच्छी तरह सैनिटाइज हुआ है और हो गया। भाई तू भी ले ले दिल्ली से। तो गाइस चलते हैं रेस्टोरेंट की ओर और देखते हैं पराठे का स्वाद। गाइस वेलकम टू जयपुर फूडीज और आज हम आ गए हैं जयपुर पराठा जंक्शन के ऑनर के पास। तो आप पहले अपना नाम और आप कहाँ से हैं पहले आप ये बताएं। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं प्रॉपर झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। तो आप ऐसा क्या मोटिव था कि आप पराठा जंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करें? मेन चीज़ ये थी जो अपने जो साथ बैठ के खाने की जो संस्कृति इंडिया में वो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। मेन मोटिव मेरे फादर थे यही था कि लोग वापस से एक साथ फैमिली के साथ बात करते हुए कैसे, मतलब ये पराठा क्या जब सामने आता है तो लोग फैमिली से बात करना स्टार्ट करते हैं, वरना और कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते तो बात नहीं करते, खाना खा के आ जाते हैं ना। और यहाँ पे लोग इंटरेस्टिंगली अपनी फैमिली से बात करते कितना बड़ा है क्या है इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोगों को क्या है फोन से हटके उनका ध्यान के खाने पे जाते हैं ज़्यादा है ना, और फैमिली की तरफ क्या वो थोड़ा जो टाइम होता है जो क्वालिटी टाइम होता है वो स्पेंड कर पाते हैं। मेन मोटो मेरे और मेरे फादर का यही है कि जो लोग हैं वो एक साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ ही फूड एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक आपको पता चल रहा है कि कोरोना काफ़ी चल रहा है, तो आप जैसे कई सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो काफ़ी लॉस हुआ है, तो आपको भी ज़्यादा लॉस हुआ है इसके अंदर कोरोना के चलते? जो 40% रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके हैं, पर हमारा रेस्टोरेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी भी हमारे जो रेगुलर कस्टमर है डे वन से जिस दिन से हमने ओपन किया था उसी दिन से हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए थे, जैसे ही उनको पता चला कि भाई रेस्टोरेंट खुल गया है। हाँ नहीं काफ़ी सही है, मैंने जैसे अभी यहाँ पे एंट्री की तो पहले सैनिटाइज करवाया, ये आपने बोर्ड लगा रखा है तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं हमारे गाइस को फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो पराठा जंक्शन है ये काफ़ी आपके लिए सेफ है और यहाँ पे प्योरली सैनिटाइज है, यहाँ पे मास्क बकायदा मास्क और जो हाथों में ग्लव्स है यानी कि जो यहाँ पे शेफ है। तो आप ये बताइए कि आपकी जयपुर में यहाँ पे कितनी ब्रांचेज हैं, मेनली जयपुर में या बाहर भी कहीं है? जयपुर में एक ब्रांचेस हैं, बाकी हमारी हाईवे पे 3 ब्रांच है जो कि टूटू बदरू, मतलब अजमेर जयपुर अजमेर हाईवे के बीच में हमारी 3 बड़ी ब्रांचेस आती हैं, और जो जयपुर मेन सिटी के अंदर हमारी एक ब्रांच है जो मानसरोवर के अंदर और हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि अगले 2 साल में इसको पूरे पैन इंडिया ले जाने का वह हमारा प्लान है कि हम लोग जो जयपुर का नाम और जो जयपुर पराठा जंक्शन है जो दुनिया का सबसे बड़ा 32 इंच पराठा बनाता है हम इसको पैन इंडिया लेके जाते हैं। आपके पराठे में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी पराठों में कुछ चेंज है, कुछ ऐसा है इसमें फ्लेवर? मेन हमारा सर जो मेन जो है वो हमारा साइज़ के लिए इतना फेमस है जितना टेस्ट के लिए फेमस है, हमारा खुद का एक सीक्रेट मसाला है, मतलब सारे मसाले मिक्स हैं वो हम लोग खुद बनाते हैं एक सेपरेट ना, वो मसाला डलता है। तो गाइस चलते हैं सुमित जी के साथ और देखते हैं इनके जो स्टफिंग है उसमें किस हिसाब से जो ये मसाला बता रहे हैं कि उसका ऐसा क्या टेस्ट है। बाकी बाद में पराठा तो बाद में बनेगा तो उसके बाद टेस्ट होगा, पर ऐसा एक बार किचन में चल के देखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहुबली किचन में,
जो इनका जो फेमस यहाँ का पराठा है बाहुबली। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा जिस एरिया में बाहुबली पराठा बनता है। और ये इनने पराठे के लिए जो इसका जो आटा है वो ये लगा रहे हैं। और बेलन देखिए भाई कितना बड़ा बेलन है। और ये बेलना चालू हो गया है जिस रफ्तार से बेल रहे हैं, मेरे को लगता है कि 30 सेकंड तो लेंगे हम। और ये अब इसके बाद ये थोड़ी स्टफिंग, यहाँ पे हमने आलू प्याज और पनीर पराठा का जो ऑर्डर दिया है, तो ये है आलू और ये आलू का जो मसाला है। देन इसके बाद इन्होंने डाला थोड़ा पनीर, और पनीर के बाद ये पनीर डल रहा है। बाहुबली जो इसका पराठा है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो स्टफिंग ये पालक और ये लग गया है कोरिएंडर। देन इसके बाद थोड़ी सी ये हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज और ये क्या है मेथी, ये मेथी दाना पहने हुए जो है। तो इसके बाद हल्दी मसाला, तो ये मसाला आपका खुद का बनाया हुआ है कोई ब्रांड है? अच्छा। तो इनका खुद का बनाया हुआ मसाला है। और ये नमक डल गया है जी। देन इसके बाद ये है रेड चिली पाउडर, और ये हो चुका है काफ़ी रंग बिरंगा जो यहाँ पे मसाला दिख रहा है। और ये हमारे बाहुबली पराठे के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पे। और ये पराठे की स्टफिंग में जो काम आएगा वो वाला जो है मसाला है, खुशबू तो भैया काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आप कहाँ के हैं? जैसे टोडा राइस। कहाँ के? टोडा राइस। टोडा राइस सर। तो आप अभी से चालू किया है पराठा बनाना है पहले से? अभी मेरे को साल भर हो गए। साल भर हो गए। तो जिस हिसाब से आपने बेला उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी हमारा ऑर्डर यहाँ बन जाएगा। और ये गाइस देख रहे हैं आपकी स्टफिंग, जिस हिसाब से यहाँ पे स्टफिंग आ रही है डल रही है इसके अंदर, उसको देख के तो भाई बस मुँह में पानी आ रहा है। और ये देखिए आप भाई, जूम कर दे थोड़ा सा, फ्लेवर दिखा दे अच्छी तरह उनको। और ये देखिए भाई, ये तो मेरे से उठे नहीं, एक जिम फ्रीक हूँ मैं आज, मेरे पास चल रहा है इस खाने को देखिए। और ये देखिए, ओ भाई अंकल आ तो नींद नहीं आएगी इसको देखने के बाद। तो ये गाइस स्टफिंग इसमें डल चुकी है, और ये प्रेस कर रहे हैं अपनी पूरी जितनी भी कैलरी इसको बर्न करने में लगती है बनाने में। और ये चल रहा है इसका प्रोसेस बनाने का काफ़ी सही रफ्तार से, रफ्तार पकड़े हुए हैं अंकल। और ये चालू हुआ है भाई साहब, मेरा कुछ ट्राई सर तो भाई सर तो भाई बन गए। तो ये बन रहा है यहाँ पे पराठा भाई, थोड़ा दूर होता था वो पास है। और ये बन रहा है हमारा आलू प्याज पनीर पराठा। जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से तो काफी टेस्टी लगी। आप बन गया हमारा 32 इंच का पराठा, और इसको उठाओ कैसे? और ये लग रहा है यहाँ पे घी, और ये प्योर घी में यहाँ पे सियेगा पराठा। ये पराठे तो फेमस अमृतसर के होते हैं या दिल्ली के? हमने कुछ अलग ट्राई किया है इस बार। अच्छा, अगर दिल्ली के फेमस नहीं है अब आपको जयपुर का? हाँ जयपुर का तो बता, मैं इनको ये बता देता हूँ कि जयपुर भी कुछ कम नहीं है खाने को। ये देखिए आप खाने की जो इनका पेक है वो किस प्रकार से था, और मैं तो इतना सोच नहीं सकता। और आने वाले में समय में 2-3 साल में जो सबसे ज़्यादा पराठे के रेस्टोरेंट होगा वो जयपुर के लिए पहले कवर कर दिया हमारा सुपर के साथ। और ये डल चुका है पराठा 32 इंच का बाहुबली पराठा। और ये करते हैं अपने वाइफ से यार, दूर हट जाए कैमरा डलवा। तो गाइस इसको 20 मिनट लगेंगे सीखने में। गाइस ये हमारा बन चुका है यहाँ पे 32 इंच का पराठा, और ये सीख चुका है। अब ये आने को प्लेट में तैयार। और ये देखिए आप, ओ भाई भाई मार डालोगे, तगड़ा पराठा बनाया गाइस, देख रहे हैं 32 इंच
जीवन में पहली बार इसका स्वाद है। 32 इंच का जयपुर जंक्शन का पराठा काफी स्वादिष्ट पराठा। तो ये गाइस आप देख रहे हैं कि पराठा जो 32 इंच की थाली में यार आपकी तो कैलकुलेशन ही तगड़ी है, एकदम प्लेट के ऊपर नीचे कुछ पहुंचा ही नहीं। पराठा कैसा लगता है? गर्म रहता है इसलिए आपको थोड़ी ये चलते हैं कि बहुत गर्म था, आप लोग कभी लेट हो गए थे तो वो भी क्या बहुत गर्म था। तो ये पराठा आ चुका है और भाई पहले कैमरे को धड़ लिया, देखा इनको स्टफिंग दिखा दे। और ये देखिए आप स्टफिंग, जो पनीर है जो ब्लेंड हो चुका है यहाँ पे अच्छी तरह इस आटे के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे ये भाई इसमें तो ऐसा गायब हो गया पनीर यार, आलू और पनीर सा इतना कुछ इस तरह से ब्लेंड हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए ये है रायता और ये मक्खन, ओ भाई ये चटनी और ये हरी चटनी, और ये बन चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करने करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे दोस्त को मैं साथ लेके आया हूँ कि भाई खाएंगे तो यानी कि हम 3-4 जने वो जो कैमरे के पीछे है, पर अभी हम चालू करेंगे सबसे पहले इसको। तो ये पहले ये बताएगा कि ये पराठा कैसा है, क्योंकि दिल्ली में ही खाया हुआ है सबसे पहले इसने। तो ये बताएगा कि जयपुर में क्यों फेमस है। भाई बता पहले तू, ट्राई चालू कर। और ये किससे किसका खाएगा? दही से। क्या ये दही? भाई मेरे दोस्त से पार्टी है, बर्थडे मत मांगना फिर। और भाई कुछ अलग लग रहा है? क्या? अलग लग रहा है मसाला टेस्ट, जो मसाला बता रहे थे अपना खुद का मसाला अलग है दिल्ली वाले से। तो अब मैं चालू करूंगा इसको। सबसे पहले मैं तो यार रायते के साथ चालू करूंगा। ये रायता किसका? अभी लौकी का। तो लौकी का रायता है, लौकी और पूरी का रायता। ये काफी क्रिस्पी है और काफी बढ़िया टेस्ट है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन अगर देंगे तो इसमें पनीर का तो कोई स्वाद ऐसे आ नहीं रहा, क्योंकि आलू साग काफी ब्लेंड हो चुका है। और इसके बाद हम अगर इसका देखें चटनी का, अगर ये जो इतनी चटनी है, चटनी जो इनकी लहसुन के साथ चटनी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये इसमें जो चिल्ली का जो स्वाद है वो एकदम अलग ही तरीके से मुंह में उभर रहा है मेरे। तो गाइस खाते हैं। सो गाइस आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। और अगर आपको इसकी लोकेशन जानना है तो अगर आप दिल्ली अजमेर हाईवे से अगर जयपुर की ओर आ रहे हैं तो इसकी लोकेशन मिड यहाँ पे न्यू संगानेर रोड पे पड़ती है। अगर आपको इसकी लोकेशन परफेक्टली जाननी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लोकेशन दी हुई है, आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो गाइज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि एनालिटिक्स में आपके रिव्यूज़ सब्सक्राइब पे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 60% ऑफ हमारे व्यूअर्स हैं वो अभी से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार सब्सक्राइब करो और अगले हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि आगे वाली वीडियो हमें किस डेस्टिनेशन पे लेनी चाहिए। तब तक के लिए विनोद को ढूंढो। काफ़ी सूखा है पर देखना आधे से ज़्यादा तो ये हमारा पराठा को ये चट करने वाला है।